हाय गाइस, अनीता शर्मा फ्रॉम मेट्रो कंप्यूटर्स। आइए आज हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स होता है सूचना तंत्र। और सूचना, जैसा कि हम पिछली कई वीडियो में ये जान चुके हैं, किसी भी संगठन के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, मीन्स हर को सफल बनाने के लिए एक लाइफ ब्लड है। यानी जीवन की बहुत, जैसे मूलभूत इकाई होती है, खून होता है, रक्त होता है, उस तरीके से सूचना काम करती है। सूचना के बिना, सूचना के अभाव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और कुछ भी राइट ऑब्जेक्टिव को सही समय पर और बल्कि प्राप्ति नहीं किया जा सकता सूचनाओं के अभाव में। तो इस प्रकार से सूचना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और सूचनाओं का जो एक तंत्र होता है सिस्टमेटिक तरीके से, कि कब कौन सी सूचना या किससे रिलेटेड सूचनाएं या सूचनाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं, सूचनाएं क्या हो सकती हैं, तो सूचनाओं को जब हम सूचनाओं के बारे में जब एक सिस्टम तैयार करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन्फॉर्मेशन जैसे हम अब आगे देखेंगे कि कई प्रकार की होती हैं, मूल कितने प्रकार की हो सकती हैं हम यहाँ पे देखेंगे। आधुनिक समय में बहुत प्रकार के सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, बहुत प्रकार के सिस्टम्स प्रयोग में लिए जा रहे हैं, लेकिन इनके मेन कैटेगरी जो होती है उनको हम देखेंगे और उनके अंडर कितनी निकाली गई हैं और कितने चलते जा रहे हैं हम इनको इस वीडियो से समझ सकेंगे। तो आइए हम देखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम लोगों और सूचनाओं द्वारा बना हुआ होता है और कंप्यूटर द्वारा, यानी तीन चीज में शामिल होती हैं, लोग, इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं प्लस कंप्यूटर, यानी ये तीनों चीजों के एक व्यवस्थित तरीके से एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु, यानी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने हेतु इनका व्यवस्थित तरीके से एक काम करना जो है, जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और पराश्रित होते हैं और एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, उसको हम विशेष सूचनाओं की प्राप्ति के लिए, उनका उद्देश्य विशेष सूचनाओं की प्राप्ति होता है, उनको हम कहेंगे सूचना सिस्टम यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि मैंने यहाँ कहा, मैं अभी फिर रिपीट करूँगी कि सूचना सिस्टम में आधुनिक समय में लोग, सूचनाएं प्लस कंप्यूटर, तीनों चीजें शामिल होती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी IS इज अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ पीपल एंड कंप्यूटर्स दैट प्रोसेसेस और इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, यानी जो सूचनाओं पर प्रक्रिया करते हैं और प्रक्रियाओं को करने के लिए कौन लोग मिलकर कर रहे हैं, लोग और कंप्यूटर दोनों का प्रयोग हो रहा है सूचनाओं को इंटरप्रेट करने के लिए, सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए, सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, सूचनाओं को भेजने के लिए, सूचनाओं को इंटीग्रेट करने के लिए, सब बातों के लिए। द टर्म इज ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड इन मोर रेस्ट्रिक्टिव सेंस to refer only the software used to run a computer database or to refer to only a computer system। ये जो टर्म है, कभी कभी जैसे अगर केवल कंप्यूटर के क्षेत्र में इसकी बात की जाए और कंप्यूटर के डाटाबेस के लिए अगर इसकी बात की जाए, तो सॉफ्टवेयर के लिए इसकी बात की जाए, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम मूल रूप से देखा जाए तो सूचना तंत्र है, सूचनाओं पर इसके अंदर कार्य किया जाता है, इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, कलेक्ट की जाती है सूचनाएं और मीन सूचना से रिलेटेड सारा होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन एकेडमिक स्टडी ऑफ सिस्टम विद अ स्पेसिफिक रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन एंड अ कॉम्प्लीमेंट्री नेटवर्क ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस यूज टू कलेक्ट फिल्टर प्रोसेस क्रिएट एंड आल्सो डिस्ट्रीब्यूट डाटा। यानी सूचना सिस्टम एक एकेडमिक स्टडी है ऐसे सिस्टम्स की, यानी विशेष प्रकार के उन सिस्टम्स की एक एकेडमिक स्टडी है, यानी कि हम
होता है कि पढ़ाई से रिलेटेड उसकी जानकारी लेने के लिए एक इस प्रकार की स्टडी है जो कि सूचनाओं और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नेटवर्क को और उनमें जुड़े वो लोग और जो संगठन हैं जो कि सूचनाओं को कलेक्ट कर रहे हैं, उनको फिल्टर कर रहे हैं, मतलब छाट रहे हैं और उन पर प्रक्रियाएँ कर रहे हैं और नई डाटा बना रहे हैं और उनको भेज रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनसे संबंधित होती है इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्टडी। An emphasis is placed on an information system having a definitive boundary, यानी जो information system में जो है सबसे ज़्यादा जोर जो है वो दिया जाता है fixed boundaries पर, यानी सीमाओं पर, इस उसकी सीमाएँ क्या हैं, users पर, procedures पर यानी प्रक्रियाओं पर, stores पर यानी संग्रहण पर, input पर और output पर, और अफॉर्मेशन मैशन कम्युनिकेशन नेटवर्क पर ध्यान जो है दिया जाता है, जोर जो है इन चीज़ों पर दिया जाता है। किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का उद्देश्य जो होता है प्रक्रियाओं को सपोर्ट करना होता है, मैनेजमेंट को सपोर्ट करना होता है और डिसीजन बनाना होता है, यही सब इसके कार्य होते हैं। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसका कि संगठन प्रयोग करते हैं और साथ में आल्सो द वे इन विच पीपल इंटरेक्ट विद दैट टेक्नोलॉजी इन द सपोर्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, और इसके अलावा ये वो तरीके हैं जिनके द्वारा लोग जो है टेक्नोलॉजीज के साथ बिजनेस प्रोसेसेस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। तो अभी हमने सिस्टम के बारे में, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा सा देखा। अरे हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कितने प्रकार की हो सकती है। देखिए एक क्लासिक व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट बुक में, पिरामिड के रूप में हम इसको यहाँ देखते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में किस किस प्रकार की सूचनाओं की जरूरत होती है और वो किस किस के लिए जरूरी होती है हम उसको यहाँ पे जरा देखते हैं। देखिए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, देखिए हम यहाँ देख रहे हैं इस पिरामिड में हम देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस किस प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता हो सकती है। देखिए सबसे पहले एक संगठन में टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, यानी एक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सबसे पहले डायरेक्टर्स होते हैं और ऑनर्स होते हैं, टॉप लेवल के जो लोग होते हैं उस मैनेजमेंट के सबसे ऊंचे पद वाले जो लोग होते हैं उन
उनसे संबंधित यानी उनके लिए जो आवश्यक सूचनाएं होती है उनकी बात चलती है, तो उनसे रिलेटेड सूचनाएं होती है हमारी, जैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है तो उससे रिलेटेड सूचनाएं क्या क्या हो सकती हैं और उनसे क्या क्या प्रोसीजर क्या करनी है या पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। तो डिसीजन बनाने के लिए भी इन सिस्टम्स, इनके लिए भी आवश्यकता होती है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होते हैं जो इनके द्वारा प्रयोग में लिए जाते हैं, यानी निर्णय बनाने के लिए जो सूचना सिस्टम बनाए जाते हैं उनको हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। मैनेजमेंट को पूरा मैनेज करने के लिए जो सूचना सिस्टम बनाए जाते हैं, उससे संबंधित पूरी सूचनाओं को हैंडल करने के लिए जो होते हैं वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाते हैं। और इसी प्रकार से जो वर्कर्स होते हैं, जो लो लेवल लोग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए जो सिस्टम होते हैं, जो सूचना सिस्टम तैयार होते हैं, उनको ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है, सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, सेकंड नंबर पे हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और थर्ड लेवल पे हमारा लो लेवल मैनेजमेंट होता है। टॉप लेवल से संबंधित सूचनाएं हमारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसमें हम एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये टॉप लेवल से संबंधित होते हैं, टॉप लेवल के लिए ये वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रयोग में लिए जाते हैं। दूसरे मिडिल लेवल में हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं, सीनियर मैनेजर्स और दूसरे जूनियर मैनेजर। तो इनके लिए जो प्रयोग में लिए जाते हैं, तो सीनियर मैनेजर्स और टॉप लेवल वाले हमारे जो होते हैं वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स को प्रयोग में लेते हैं, और मिडिल में जो जूनियर मैनेजर्स होते हैं वो हमारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को प्रयोग में लेते हैं ताकि अप्लाई करवा सकें आगे स्टाफ से, और वर्कर्स के लिए या जो और अंडर में जो काम कर रहे हैं, लास्ट लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में आप जैसे कह सकते हो टैली है, ये एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। इसके अलावा बहुत सारे स्टोर्स में आपने देखा होगा कि जो भी माल बिक रहा है या खरीदा जा रहा है उनको हाथ के हाथ लिखा जा रहा है, डिटेल दी जा रही है, कंप्यूटर में उसका हिसाब किताब रखा जा रहा है, तो उसके लिए जो प्रयोग में लिए जा रहे हैं ये TPS ही कहलाते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है ये कहलाते हैं। तो इस प्रकार से सूचनाएं भी हमारी जो है मेन रूप से तो तीन प्रकार की हो सकती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और जो है लो लेवल। तीनों से रिलेटेड सूचनाएं हो सकती हैं, और इसलिए टॉप लेवल इंफॉर्मेशन, मिडिल लेवल इंफॉर्मेशन और लो लेवल इंफॉर्मेशन तीन कैटेगरी के बना सकते हैं। और इनके लिए जो सूचना तंत्र यानी सिस्टम बनाए गए हैं जो प्रयोग में लिए जाते हैं वो हमारे यानी के अनुसार डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हो सकते हैं, होते हैं। ये सभी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं क्योंकि आधुनिक समय में बिना कंप्यूटर के कोई कार्य नहीं हो रहा है, सभी कुछ कंप्यूटर द्वारा ही तैयार किए जा रहे हैं। आगे और अधिक इसके बारे में हम देखते हैं, तब तक देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो मैथ कंप्यूटर गाइडेंट पर, या सब्सक्राइब करें मेरा चैनल यूट्यूब पर नीता शर्मा 12 नाम से। ओके, बाय, थैंक यू।